यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वो आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वो देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया, लेट्स प्रे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देना चाहते खुदा ने इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु जी कि आपने एक बार फिर से हमको दिया कि हम आपकी उपस्थिति में निकल करके आ सकते हैं, हम आपकी बारगाह बंदगी में हम आ सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते खुदा ने इस मोहब्बत के लिए जो कि आप हमसे रखते हैं। धन्यवाद देना चाहते खुदा ने आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपके बड़े फजल के लिए खुदा जो कि हमारे ऊपर बना रहता है, आपकी बड़ी कृपा के लिए खुदा जो कि हमारे ऊपर बनी रहती है। हम धन्यवाद देते खुदा कि आप दुष्ट की हर एक युक्ति को जो कि हमारे खिलाफ में है, हमारे परिवारों के खिलाफ में है, आप उसको फेल करते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते खुदा कि आप अपनी खूबसूरत योजनाओं को हमारे जीवन में आप पूरा करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा खूबसूरत प्लान्स के लिए खुदा जो कि आपने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु कि अपने 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 अपनी चीज़ों को प्रभु आप हमारे जीवन में आप हस्तक्षेप करें पिता परमेश्वर, अपने प्लान्स को, अपने पर्पसेस को आप हमारे जीवन में आप सिद्ध करें, आप पूरा करें प्रभु। जबकि हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों को आप ग्रहण करें और आप हस्तक्षेप करें और हमको अपनी इच्छा के अनुसार आप बनाएं। इस पूरी इबादत के लिए, पूरी आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं शुरू से आखिर तक के खुदा आप हमारे साथ में रहें और जो कुछ भी हम करते प्रभु आप उसमें हमारी सहायता करें। और प्रभु हम चाहते हैं हमारी आराधना को आप स्वीकार करें, उसको ग्रहण करें, अपने हाथ को बढ़ा करके हमको छू लें, हमको बदल दें पिता परमेश्वर, सहायता करें। पूरी आराधना आपके हाथ में सौंपते हैं, देखे संभाले अपनी भले भावने चर्चा को हमारे मन में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
उसने बल से ज्यादा, उसने महिमा से ज्यादा, यीशु आप ही हमारे लिए काफी है और आप ही हमारी वो आवश्यकता है जो हमें पाप से अलग करती है। यीशु आप ही हमारे लिए वो बल है जो हमें खड़े होने के लिए मदद करता है। प्रथम घोषित करते हैं प्रभु, अपने हर एक बल से, अपने पूरी सामर्थ से, अपने पूरे मन से हम केवल आपको खोजते हैं। हम आप ही को खोजते हैं, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे बल, मेरे उद्धार करता। हम आप ही को खोजते हैं यीशु, क्योंकि आप ही हमारे मुख की चमक है। ओ, आप ही हमारा वो द्वार है जिसके द्वारा हम जीवन में प्रवेश करते हैं। ओ यीशु, मेरे द्वार, मेरे सहायक, ओ मेरा बल, मेरे भजन का विषय, ओ मेरा आनंद यीशु। इसलिए हम सब प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए आपकी आराधना करते और हम कहना चाहते हमें आप ही चाहिए। हमें आपकी ही जरूरत है, हमें आपकी ही जरूरत है प्रभु। आप आए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे घराने में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश और देश में, क्योंकि यीशु आप ही के नाम से हम जीवन पाते हैं, आप ही के नाम से हम बच जाते हैं। इसलिए यीशु हम आप ही का स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु हमें पूरी तरीके से अपना बना ले, ताकि हम पिता परमेश्वर की संतान सच में दिखने पाए। प्रभु हमें हमारी सहायता करें यीशु, और हम चाहते हैं इसीलिए हमारे हमारे कानों को ऐसे खोलें कि आपकी भेड़ें आपकी आवाज को सुन सके। हमें ऐसे मन दें जो आपके पीछे बस बोले प्रभु व्यर्थ बातों से, और प्रभु हमारे ध्यान को अलग हटाने के लिए प्रभु यीशु
हमारी मदद करें ताकि आपकी भेड़ें आपकी आवाज को सुन सके, उन बातों को सीख सके जो हमें सीखना बहुत आवश्यक है प्रभु। क्योंकि यीशु मसीह, जबकि आपकी इच्छा है, पिता आपकी इच्छा है हम जय से जय में जाएं, महिमा से महिमा में जाएं, हमारी सहायता करें। हम आप ही की ओर देखते हैं यीशु, पिता हम आप ही की ओर देखते हैं, क्योंकि आप ही की इच्छा है हम बच जाएं और बहुतायत के जीवन को पाए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। यूहन्ना उसका सातवां अध्याय उसके 37 और 38 पद को देखेंगे, जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 37 एंड 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जी जी जी, जो मुझ पर, यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तब पत्रस कहने लगा, सोना और चांदी तो मेरे पास में है नहीं, परंतु जो मेरे पास जो मेरे पास में है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, चल फिर। मेरे प्रियो, पत्रस यहाँ पे कह रहे, सोना और चांदी तो मेरे पास में नहीं है। बड़ी विशेष बातें पत्रस के मुंह से यहाँ पे निकल रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Here lies a man, यहां पे एक जन है जो कि जन्म से लंगड़ा था, अपने जीवन भर ये कभी नहीं चला था। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका पूरा परिवार, इसका घराना, इसके दोस्त, इसके रिश्तेदार, इसके तमाम कनेक्शंस, इसके सारा पैसा, इसके सारा धन दौलत इसको इसके पैरों के ऊपर खड़ा नहीं कर पाए। कोई जन इसको इसके पैरों के ऊपर खड़ा नहीं कर पाए और कोई इसको चला नहीं पाया। एंड इन कम्स पीटर एंड जॉन, और यहाँ पे पत्रस और यूहन्ना निकल के आते। वेरी ऑर्डिनरी पीपल, बिल्कुल साधारण से लोग हैं। इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो कि अनपढ़ मछुआरे थे, इलिटरेट फिशरमैन, और ये साधारण से लोग बड़ी असाधारण सी बातें कर रहे हैं, बड़ी विशेष बातें इनके मुंह से निकल रही हैं। एंड ये बड़ी विशेष बातें इनके मुंह से इसलिए निकल रही हैं क्योंकि इन्होंने संदेश के ऊपर विश्वास किया, वो संदेश जो यीशु के मुंह से निकला, वो संदेश जिसको ढेरों ने सुन करके उसका तमाशा बनाया, जिसको ढेरों ने सुन करके उसको हंसी और ठट्टो में उड़ाया, जिसको ढेरों ने सुन करके ये कह रहे, ये तो बढ़ई का बेटा है, ये तो यूसुफ का बेटा है, इसको तो हम जानते, इसके लोगों को तो हम जानते। ढेर सारे लोगों ने उसके संदेश के ऊपर विश्वास करने से इनकार किया, पर ये साधारण से लोग, ये साधारण से लोग, इन्होंने यीशु के वचन के ऊपर विश्वास किया। एंड प्रभु यीशु मसीह यहां पे कह रहे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। एंड समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग हियर, और यहां पे कुछ विशेष बातें घट रही हैं। आप मेरे साथ में देखें प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 6-8 पद को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब पत्रस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास में है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के, पत्रस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया और तुरंत उसके पांवों और वो तुरंत जी और टखनों में बल आ गया, वो उछल कर खड़ा हो गया हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता चलता
और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सो वेरी स्पेशल, कितनी विशेष बात है। वो जो अपने जीवन में कभी नहीं चला था, उसकी सारी चीजें, उसके सारे दोस्त, कोई ऐसा काम उसके जीवन में नहीं कर पाया, किसी ने उससे आकर के इस प्रकार की बातें नहीं कही। बट इन कम सम वेरी स्पेशल पीपल, बट यहाँ पे कुछ बड़े विशेष से लोग आ रहे। ये विशेष लोग इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि इन्होंने यीशु के संदेश पर विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने यीशु के पर विश्वास किया, एंड बिकॉज दे बिलीव्ड इन जीसस। और क्योंकि उन्होंने यीशु के पर विश्वास किया मेरे प्रियो, इनके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह रही है, इनके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह रही है। एंड ये आके कहते कि मैं तुमसे कहता हूं यीशु नासरी के नाम से तुम उठो और चलो फिरो। और पत्रस ने अपने हाथ को बढ़ा करके उसको खड़ा किया, उसके पैरों में ताकत आ गई, एंड वो जन उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की महिमा करता हुआ मंदिर में जाता है और प्रभु की महिमा करता है। वाय क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसके 7-12 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की आधी रात तक बातें करता रहा और आधी रात तक बातें करता रहा। विशेष बात है, हाउ ब्यूटीफुल। पत्रस जो पौलुस जो है यहाँ पे बात कर रहा है लोगों से और बड़ी देर तक ये बात करता रहा। आधी रात हो गई है एंड ढेर सारे लोग जो है ये इस कोठरी में जमा है, ये इस फ्लोर के ऊपर जमा है और यहाँ पे उसकी बातों को ये सुन रहे, इंटेंटली सुन रहे, बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे। एंड पौलुस इतनी बातें कर रहा है, इतना समझा रहा है, इतनी शिक्षा उनको दे रहा है कि आधी रात हो गई है एंड येट ये लोग आधी रात तक के ये वही मौजूद हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की बातों को सुन रहे हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, उन बातों को सीख रहे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जी आगे क्या लिखा हुआ है? जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे जी, उसमें बहुत दिए जल रहे थे, बड़े दिए जल रहे थे और युक्रूस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ जी गहरी नींद में झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा नींद के झोंके में जी तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। ना यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ढेर सारे लोग जो हैं तीसरे फ्लोर के पर, तीसरी मंजिल के पर ये जमा हैं एंड पौलुस जो हैं वो बस प्रचार करते जा रहे हैं, वो बस प्रचार करते जा रहे हैं और बहुत देर बीत गई है, आधी रात बीत गई है और अभी भी पौलुस कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड अभी भी ना से पौलुस कंटिन्यू कर रहे हैं बट ये लोग वहां पे बैठे हुए हैं और ये सुन रहे हैं और ये सब सुन रहे। इस बड़ी भीड़ में सिर्फ एक जन है जिसको नींद आई, और जिसको नींद आई वो गिर भी गया, अटारी पर से गिर पड़ा जी और मरा हुआ उठाया गया। इसी मंजिल से गिर गया और मरा हुआ उठाया गया। आगे परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगा के कहा घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। ऊपर जाकर रोटी तोड़ी जी और उसने गले लगाया और कहा घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में, उसको वहीं छोड़ के वो ऊपर चला गया और जाके वहाँ पे खाना खाने लगा जी, और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा पौ फट गई कि अब तो सुबह हो गई। शाम को आई गेस मीटिंग शुरू हुई होगी और रात हो गई और आधी रात हो गई और अब तो पांव फट रहे हैं जी। आगे
फिर वो चला गया, वो चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। वो उस जवान को, उस जवान को जीवित ले आए, जीवित ले आए और बहुत शांति पाई, बहुत शांति पाई। और उस जवान को, वो जवान जो उस बड़ी भीड़ में सो गया था और वो वहां से गिर गया और तीसरी मंजिल से वो गिरा तो वो मरा हुआ पाया गया। पर पौलुस यहाँ पे आ रहा है, हूज पॉल, पॉल कौन है? क्या कोई जादू करे? क्या कोई खुदा है? हुई सी कौन है वो जो इस किस्म की बातें करे? पौलुस आता, नीचे आता है और जल्दी से उसको गले लगा लेता है और गले लगाए कहता है, घबराओ नहीं, इसका प्राण इसी में है। और इतना कह करके वो फिर वापस चला जाता है और ऊपर जाके खाना खाता है और ढेर सारी बातें करते करते और सुबह वो चला जाता है। एंड ये जवान जो है, ये इसके अंदर जीवन वापस आ जाता है और ये जीवित होके अपने घर में जाता है। एंड ढेर सारे लोग ये बड़ी शांति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके जीवन में से, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां जो हैं वो बह निकलेंगी। एक और उदाहरण को आप मेरे सामने देखिए, एक और एग्जांपल को आप देखें, पृथ्वी काम उसका 5:12-16 को देखेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है? जी, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। जैसे हमने देखा है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु ने कितने ढेर सारे बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो रहे थे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। पर अभी हम प्रेरितों के काम में आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं प्रेरितों ने यहाँ पे क्या काम किए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के हाथों से आप ध्यान दें क्या लिखा हुआ, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम जी लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। परमेश्वर की सामर्थ की वजह से, जब ये अपने हाथ को बढ़ा करके छूते थे, परमेश्वर का सामर्थ उनके हाथों से लोगों को छू रहा होता था। एंड प्रेरितों के हाथों से बड़े चिन्ह और बड़े चमत्कार हो रहे थे जी, और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को ये हियाव न होता था, औरों में से किसी को ये हियाव नहीं होता था कि उनमें जा मिले, बड़ा भय था। औरों में से किसी को यह नहीं, भाई ये बड़े पवित्र लोग हैं, बड़ी सामर्थ यहाँ बह रही है, बड़ी सामर्थ इनके बीच में बह रही है जी। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। दे वर हाईली एस्टीम्ड, बहुत ऊंचे दर्जे के पर उनको लोग रखते थे। जल्दी लोग उनसे आकर के उनके ग्रुप में नहीं मिलते थे, बड़ा भय था। दीज आर होली पीपल, ये तो बड़े सामर्थी लोग हैं, ये तो बड़े बल वाले लोग हैं, बड़े आश्चर्यकर्म दिखाते, बड़े सामर्थ के काम दिखा रहे लोगों के ऊपर, संसार के ऊपर कलीसिया का भय था। और जल्दी कोई जन आकर के इनसे जुड़ना नहीं मांगता था। एंड ये बहुत हाईली एस्टीम थे, बहुत ऊंचे दर्जे के पर कलीसिया को रखा जाता था। दीज वर हाईली एस्टीम पीपल। मेरे पे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पे ये वो दशक है जिसमें परमेश्वर हमको नई पहचान में लेकर के जा रहे हैं। ये वो दशक है जिसमें हम नई पहचान में आ रहे हैं। और नई पहचान कैसे आएगी? जब ये सामर्थ के कार्य दिखाई देंगे। ये नई पहचान कैसे आएगी? इन लोगों की ये डिस्टिंक्शन, अलग से पहचान कैसे थी? ये लोग हाईली रिगार्डेड कैसे थे, हाईली एस्टीम्ड कैसे थे? क्यों लोग इनको बहुत ऊंचे स्थान के ऊपर रखते थे? क्योंकि इनके जीवन से दिखाई दे रहा था, इनके जीवन से यीशु दिखाई दे रहा था, इनके जीवन से वो सामर्थ के कार्य दिखाई दे रहे थे जी। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में जुड़ते रहे। ढेर सारे स्त्री, ढेर सारे पुरुष जो थे विश्वास करने वाले, ये कलीसिया में आकर के प्रतिदिन ये जुड़ रहे थे जी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर, यहाँ तक के लोग
बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पत्रस आए तो उसकी छाया से जी छाया हो और उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे सब अच्छे कर दिए जाते। कलीसिया की एक नई पहचान है, कलीसिया की एक नई पहचान है। एंड कलीसिया जो है यह अन्य जातियों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो विश्वास करने को तैयार नहीं है, ये बहुत हाईली एस्टीम्ड है, बहुत ऊंचे दर्जे पर रखी जा रही है, बड़ी इज्जत है इनकी, बड़ा भय है इनका संसार में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कार्य इनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ बड़ा विशेष हो रहा है मेरे प्रियो, यहाँ पे कुछ बड़ा विशेष हो रहा है। लोग अपने बीमारों को ला करके सड़कों के ऊपर वो उनको लिटा देते थे कि जब पत्रस वहां से निकले तो उसकी परछाई उनके ऊपर पड़ जाए, और उसकी परछाई उनके ऊपर पड़ती थी और वो चंगे हो रहे थे। जितने लोग आसपास के तमाम इलाकों से लोग वहां पे निकल करके आ रहे थे, और यहां पे ऐसा लिखा हुआ आखिरी पद में कि सब चंगे हो रहे थे। Everybody was getting healed, जितने लोग वहां पे आ रहे थे, everybody was getting healed। यहां पे क्या हो रहा है? What is happening here? ये कौन है पत्रस? Who is this Peter? ये इतना विशेष कैसे हो गया? ये तो अनपढ़ मछुआरा था। He was an ordinary man। ये तो बिल्कुल साधारण सा जन था। ये बात साधारण से कैसे बन गया? ये इतना स्पेशल कैसे बन गया? ये इतना विशेष कैसे बन गया? ये तमाम बातें इसके जीवन में कैसे फ्लो कर रही हैं? तमाम बातें उसके जीवन में इसलिए फ्लो करें मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां जो है बह निकलेंगी, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। हम यहां पे कलीसिया को देख रहे हैं, आश्चर्यकर्म हो रहे, ढेर सारे बड़े बड़े काम हो रहे, कलीसिया में से जीवन की जल की नदियां जो है वो बह रही है। लोग आ रहे हैं और वो जीवन को प्राप्त करें। मेरे साथ में एक और पद को देखें, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 29वां और 30वें पद को देखेंगे, यहां क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में, पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिसको पहले से जान लिया उसको पहले से ठहरा भी दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप के समानता में वो निकल करके आने पाए। परमेश्वर ने उनको पहले से ठहरा दिया कि उनके जीवन से, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां जो है बहने पाए, और तभी वो उसके पुत्र के स्वरूप की समानता में निकल के आने पाएंगे। वर्स नंबर 30, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी और जिन्हें बुलाया, यदि आप बुलाए हुए हैं, यदि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में, उसने आपको बुलाया है अपने नजदीक, तो ये आपके लिए, जिसको उसने अपने नजदीक बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, उन्हें महिमा भी दी है, उसे महिमा भी दी है, जिसको उसने पहले से ठहराया उनको बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, जिनको बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, धर्मी भी बनाया, और जिन्हें धर्मी ठहराया धर्मी बनाया उन्हें महिमा भी दी है, जिनको धर्मी ठहराया उनको परमेश्वर ने महिमा भी दी है, परमेश्वर ने महिमा भी दी है। परमेश्वर की इच्छा ये है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर एक विश्वासी के जीवन से, हर एक विश्वासी के हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने पाए,
हर एक विश्वास करने वाले के हृदय में से एवरी बिलीवर, सिर्फ पास्टर्स नहीं, सिर्फ लीडर्स नहीं, सिर्फ प्रोफेट्स नहीं, सिर्फ बड़े लोग नहीं, हर एक विश्वास करने वाले, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, सिर्फ खास लोग नहीं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, परमेश्वर की इच्छा ये, यदि आप उसके ऊपर विश्वास करते, परमेश्वर की इच्छा ये कि आपके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने पाए, जीवन के जल की नदियां बहने पाए। मेरे पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आप अपनी मसीहत से खुश हो, हो सकता है कि आप अपने जीवन से बड़े खुश हो कि यस मैं बड़ा अच्छे से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूं और मैं संतुष्ट हूं मैं अपने जीवन से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर खुश है? Is he happy? क्या वो आपके आत्मिक स्तर से खुश है? हो सकता है आप बड़े सैटिस्फाइड हो, बड़े संतुष्ट हो अपने जीवन को देखे, अपनी बातों को देखे, अपने आत्मिक स्तर को देखे, यू माइट बी वेरी हैप्पी, हो सकता है आप बड़े प्रसन्न हो, बट इज ही हैप्पी, पर क्या वो खुश है? मेरे प्यों, जिसने उसको, जिन्होंने जिसको उसने पहले से ठहराया, उनको अपने निकट भी बुलाया, और जिसको उसने अपने निकटता में बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया, धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है, महिमा भी दी है, उनको महिमा भी दी है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो अपनी कलीसिया को महिमा में ला के खड़ा करे, महिमा में ला के खड़ा करे। ये वो दौर है, ये वो समय है जब परमेश्वर नई पहचान में कलीसिया को ला करके खड़ा करे। मेरे प्रियो, यू माइट बी हैप्पी विथ योरसेल्फ, हो सकता है कि आप अपने आत्मिक स्तर से खुश हो, पर क्या वो खुश है? क्या वो खुश है? वो चाहता है कि आप उस जगह के ऊपर आए जहां पे महिमा का स्थान है, जहां पे महिमा का स्थान है। परमेश्वर वो महिमा आपको देना चाहता है, प्रभु आपको वो महिमा देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक और पद को आप मेरे साथ में देखें, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 19वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, बात जो रही है। This is a very important verse. ये बहुत ही आवश्यक वर्स है आपके लिए मेरे प्रियो। One more time, फिर से देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे। क्योंकि entire creation, ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। ये creation जो है, entire creation, ये पूरी सृष्टि जो है, ये वेट कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र जो है, ये परमेश्वर के पुत्रों के तरीके से ये निकल के आने पाए। This entire creation is waiting. ये पूरी सृष्टि जो है, ये शापित है और शाप के वजह से ये दबी हुई है, ये दुख में है, ये पेन में है, ये संघर्ष में है, और ये वेट कर रही है, ये इंतजार में है कि परमेश्वर के पुत्र जो है वो प्रकट होने पाए। परमेश्वर के जो पुत्र हैं, वो पुत्र के तरीके से अपने जीवन को बिताने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा ने 40 साल लगाए तैयार होने में कि यस ओके परमेश्वर मैं तैयार हूं वहां पे जाने के लिए, इसराइल को रिहा कराने के लिए मैं तैयार हूं। It took him 40 years, 40 साल वो जंगल में भटकता रहा। When he was 80, तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। It took him 80 long years, 80 लंबे साल मूसा को लगे तैयार होने में उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए मूसा को भेजा गया था। एंड इस 80 लंबे साल तक के ये इसराइल जो था, ये चिल्ला रहा था और ये पुकार रहा था, परमेश्वर आपका पुत्र कहाँ है? वो छुटकारा देने वाला, वो डिलीवरर कहाँ है? वो जन कहाँ है जो कि हमको छुटकारा दिलाएगा? वो पुकार रहे थे, वो अपने घुटनों पे थे और वो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरे थे। It took Moses 80 years, 80 साल लगे मूसा को तैयार होने में इस बात के लिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। 80 साल लगे मूसा को कहने में, प्रभु मैं तैयार हूं आप मुझे भेजिए। एंड इस आफ्टर 80 इयर्स वो आता है और वहां पे उसके बाद में बड़ा छुटकारा निकल करके आता है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिएशन जो है, पूरी सृष्टि जो है, वो बड़ी आशा भरी निगाहों से वो वेट कर रही है, इंतजार में है कि परमेश्वर के पुत्र जो है वो प्रकट होने पाए, परमेश्वर के पुत्र जो है वो प्रकट होने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं?
क्या आप आगे बढ़ेंगे, क्या आप उस तरके पर निकल करके आएंगे, क्या आप उस तरके पर आएंगे जहां से आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने पाए। जब आप पत्रस के बारे में पढ़ते कि पत्रस की परछाई पड़ती थी और लोग चंगे हो जाते थे, आप क्या फील करते हैं, आपकी भावना क्या है? क्या आप कहना चाहते प्रभु हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आपने कभी परमेश्वर से इस प्रश्न को पूछा, प्रभु व्हाई कांट वी, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम कैसे करेंगे, प्रभु हमको बताए हम भी सड़के पर निकल करके आने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां जो हैं वो बह निकलेंगी। एंड ये जीवन की जल की नदियां जो हैं ये आपको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगी, एक अलग सड़के पर लेके आएंगी जहां पर कलीसिया की नई पहचान होगी और परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय आप तैयार हो इस नेक्स्ट फेज में, इस अगले स्तर के लिए आने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी खूबसूरत बातों के लिए, आपकी खूबसूरत बातों के लिए। सच में प्रभु ये वो बातें हैं जो हमने हमने देखी नहीं, हमने सुनी नहीं और हमारे मन में ये बातें आई नहीं। प्रभु ये कैसी खूबसूरत बातें हैं जो कि आपने अपने विश्वास करने वालों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए आपने तैयार करके रखी। प्रभु ये कैसी विशेष बातें हैं जो आप हमसे कह रहे हैं प्रभु, के जो आपके पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां जो हैं वो बहने पाएंगी। प्रभु हम चाहते हैं अपनी कलीसिया को आप खड़ा करें ताकि उनके जीवन में ये बातें पूरी होने पाए, ताकि आपका वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए। अपने लोगों के हृदय से बोलें और बातचीत करें और वो नेसेसरी चेंज, वो जरूरी परिवर्तन, वो जरूरी बदलाव जो उनके जीवन में आना चाहिए प्रभु आप उसको उनके जीवनों में आप लेकर के आए। आपकी सहायता के बगैर हम नहीं कर सकते। प्रभु हम चाहते हैं कि कलीसिया, ना सिर्फ प्रभु हमारी कलीसिया परंतु प्रत्येक कलीसिया, हर एक कलीसिया ऑल अक्रॉस प्रभु, जहां कहीं भी कलीसिया प्रभु इस सामर्थ में भरने पाए और इस सामर्थ में फ्लो करने पाए, हर एक विश्वासी प्रभु इस सामर्थ में निकल के आने पाए और इस सामर्थ में फ्लो करने पाए और होने पाए कि आपकी बड़ी महिमा, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। अपनी इच्छा में, अपनी पहचान में अपने लोगों को आप आगे की ओर लेके चलें, अपनी भली भावनी और शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। जो भी नीड है परमेश्वर आप उसको बेहतर जानते हैं, जो भी आवश्यकता है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल आप उसको बेहतर जानते हैं। हस्तक्षेप करें प्रभु हमारे जीवन में, आप इंटरवीन करें और तमाम बातों को खूबसूरत करें। सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना आपके नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and Amen। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शाखत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and Amen। Hallelujah। God bless you my dear friends। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।